नमस्कार, मैं नियाज खान। फोन में हर किसी की पहली पसंद आईफोन होता है। खासकर युवा आईफोन के लिए काफी क्रेजी नजर आते हैं। उनकी दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनको आईफोन के अलावा कोई और फोन नजर ही नहीं आता। मगर एप्पल बोला जाए तो भी वो एप्पल का आईफोन ही समझते हैं। आईफोन को लेकर पल पल की अपडेट आपको उनके पास मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतना आईफोन के बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। वो तो हमें भी मालूम है कि एप्पल आईफोन 13 की लॉन्चिंग 14 सितंबर को अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन हम आपको लॉन्चिंग के बारे में नहीं बल्कि लॉन्चिंग के प्रोमो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको भारतीय युवाओं ने भी देर रात तक टकटकी लगाकर देखी है। आईफोन के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि उसकी लॉन्चिंग प्रोमो को लेकर लोगों ने बवाल काट दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोमो को लेकर बवाल क्यों, तो चलिए आपको सारी बात इत्मीनान से बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन 13 की लॉन्चिंग 14 सितंबर को हुई थी और इस लॉन्चिंग इवेंट को आईफोन के दीवानों ने अपनी नींद हराम करके आधी रात तक देखी थी। फिर जैसे ही लॉन्च प्रोमो लोगों की आंखों के सामने आया, लोगों की खुशियां हवा हवाई हो गई। इसके बाद भारत में कुछ लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया और बोलने लगे, प्रोमो में चल रहे म्यूजिक को इन कानों ने कई बार सुना है लेकिन समझ नहीं आ रहा, इस म्यूजिक को पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन सुना तो जरूर है। कुछ इसी तरह की बातें ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनने को मिली। इधर लोग म्यूजिक को लेकर कयास लगा ही रहे थे कि उधर कुछ मिनट बाद ही दावा पुख्ता करते हुए कहा गया कि ये तो आरडी बर्मन के गाने दम मारो दम जैसे म्यूजिक है। उसके बाद ही आईफोन 13 की चर्चा कम और दम मारो दम की चर्चा हर किसी की जुबान करने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने इस दावे को गलत भी बताया। आपको इस पूरे बवाल को बारीकी से समझने के लिए प्रोमो को देखना जरूरी है। हम आपको यहाँ प्रोमो नहीं दिखा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि कॉपीराइट का मामला कितना गंभीर होता है। आप खुद अपने स्मार्टफोन की सहायता से सोशल मीडिया पर जाकर एप्पल आईफोन 13 का प्रोमो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोमो में दिखाया गया है कि इसमें एक डिलीवरी बॉय आईफोन 13 लेकर जगह जगह सामान डिलीवरी करने जा रहा है। साथ में फोन की खूबियां बताई जा रही हैं। बैकग्राउंड में एक गाने की धुन बज रही है जिसे लोग दम मारो दम बता रहे हैं। वहीं क्रिश खैरनार नाम के यूजर ने आईफोन 13 के प्रोमो के साथ ट्वीट किया और लिखा, आईफोन 13 के विज्ञापन के बारे में दो बातें। पहली कि क्या कोई डिलीवरी बॉय आईफोन 13 खरीद सकता है। दूसरी कि इसमें बज रहा गाना दीपिका पादुकोण के दम मारो दम के जैसा सुनाई पड़ रहा है। उसके बाद मृणाल देसाई नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आईफोन 13 वीडियो का गाना दम मारो दम की तरह लग रहा है। क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है? तो आईफोन 13 को लेकर ट्विटर वार यहीं तक नहीं रुका। विदित भार्गव नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी ट्वीट किया और लिखा, क्या मैंने अभी आईफोन 13 के इवेंट में दम मारो दम रिमिक्स सुना? आपको बता दें कि दम मारो दम का पहला गाना 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा में आया था। बाद में 2011 में एक फिल्म में दीपिका पादुकोण ने इस गाने में रिमिक्स पर डांस किया था। उस फिल्म का नाम था दम मारो दम। बहरहाल आप भी इस प्रोमो को सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भी दम मारो दम की धुन सुनाई दे रही है।